अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ रईस अहमद और आप देख रहे हैं रईस अहमद ऑफिशियल चैनल की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे पास एयर गन है LB-600 और स्कोप हमने लगाई हुई है बुशनेल की 416-40 AOEG। इस गन की हमने पिस्टन सील, स्प्रिंग और ब्री सील चेंज की थी कुछ दिन पहले और स्कोप हमने ये रिपेयर की है तकरीबन 3-4 दिन पहले रिपेयर की है। तो आज स्कोप को करेंगे ज़ीरो, स्कोप भी चेक करेंगे, गन भी चेक करेंगे, उसके बाद इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे ज़ीरो कर लेते हैं। पैलेट्स हम यूज़ करेंगे डेमो के मैगनम एनर्जी। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर लें। सिर्फ 2-3 बातें हैं जो आपको समझानी है, उसके बाद हम चलते हैं स्कोप ज़ीरो की तरफ। तो ये टारगेट शीट है, ठीक है। हर टारगेट जो है ना ये 3 इंच का है, ठीक है। तो कुछ दोस्तों के सवाल थे कि अगर गन जो है ना पिन पॉइंट एक्यूरेसी देती है एयर गन, तो उसको ज़ीरो करना आसान है, लेकिन अगर उसका ग्रुप आ रहा हो 1 इंच का, 1.5 इंच का या 2 इंच का, तो फिर उसको कैसे ज़ीरो करें, ठीक है। आज की वीडियो में हम आपको क्लियर समझाएंगे कि अगर आपकी गन ग्रुप दे रही है तो उसको ज़ीरो कैसे करना है। सिर्फ वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको हर बात सही तरह से समझ आए। वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल मुकम्मल वीडियो देखनी है। आपको इंशाल्लाह हर बात की सही तरीके से समझ आ जाएगी और फुल स्क्रीन करके देखनी है ताकि आपको टारगेट क्लियर नज़र आए और पैलेट्स लगते हुए भी क्लियर नज़र आए। अगर चाहें तो वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो 360 या 480p या 1080p आप कर सकते हैं ताकि आपको रिज़ल्ट वीडियो का अच्छा मिले, क्योंकि वीडियो हमारी फुल HD में अपलोड होती है। कम से कम 3 पैलेट फायर करेंगे क्योंकि हमें पता चले कि ये गन ग्रुप कितना दे रही है। तकरीबन 1/2 इंच का ग्रुप है और पैलेट्स लगे हैं जी टारगेट से लेफ्ट साइड पे और तकरीबन जो है ना 1-1.5 इंच ऊपर। तो इसे ज़ीरो करेंगे तो इंतहाई आसान तरीका है, मैं आपको बता दूं। इसको ज़ीरो करने का इंतहाई आसान तरीका है। अभी जैसे आपने देखा कि पैलेट ना थोड़े से ऊपर और लेफ़्ट साइड पर लग रहे हैं, अगर मैं इनको चाहता हूँ कि थोड़ा ये राइट साइड पे आएँ और इनको थोड़ा हम डाउन करें, तो इंतहाई आसान तरीका है। सबसे पहले जो ये जो लेफ़्ट राइट वाला है, ठीक है, अगर इसको खोलेंगे तो ये राइट साइड पे जाएगा, ठीक है, पैलेट की मूवमेंट। अगर इसको हम खोलते हैं तो दोबारा पैलेट जो है ना राइट साइड पे मूव करेगा, मतलब जो भी हम पैलेट फायर करेंगे जितना हम इसको खोलते जाएंगे वो राइट साइड की तरफ मूव करता जाएगा और जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट राइट का। और अप डाउन का ये है कि हम इसको खोलेंगे तो पैलेट ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर हम डाउन करेंगे तो पैलेट नीचे की तरफ मूव करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये हम इसको तकरीबन 8-9 क्लिक हमने इसको खोला, मतलब राइट साइड पर किया पैलेट को, और हम इसको
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह के क्लिक हमने इसको टाइट किया ताकि पैलेट को हम डाउन कर सकें। तो हम अब चेक करेंगे कि पैलेट कितना डाउन हुआ है और कितना जो है ना राइट साइड की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये देख लें आप, तकरीबन जो है ना टारगेट के बिल्कुल बराबर आ गया है, अप डाउन वाला सीध में, ठीक है, ऊपर है, राइट यानी कि हो गया है, लेकिन डाउन थोड़ा हुआ है। तो हम इसको तकरीबन 20-22 क्लिक हमने और टाइट किया इसे, ज्यादा टाइट हो गया। ज्यादा टाइट हो गया था, थोड़ा सा खोला इसको, इनके पैलेट को थोड़ा ऊपर किया, पैलेट थोड़ा नीचे जाके लगा था। थोड़ा सा जो है ना अभी दो पैलेट और फेर करके देखते हैं, क्योंकि ये ग्रुप दे रही है ना, पैलेट में पैलेट तो मार नहीं रही, तो अभी हमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा इसको जो है ना राइट साइड की तरफ और थोड़ा सा जो है ना ऊपर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसको मैंने खोला है और थोड़ा इसको भी थोड़ा सा खोला है, इसको भी दूसरे टारगेट पे जो है ना ट्राई करते हैं पैलेट। मेरे ख्याल में ये वाला शायद काफ़ी ऊपर जा के लगा है, गन जो है ना ग्रुप दे रही है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं दे रही, और कोई पैलेट भी ख़राब निकल आता है जो ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे या दाएं बाएं चला जाता है।
आपने देखा कि गन ग्रुप जो है ना, थोड़ा सा उसने ना नीचे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बनाया, तो हम इसके ग्रुप की ही सेटिंग करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको मतलब जो है ना खोला है लेफ्ट राइट वाले को, और इसको भी थोड़ा सा जो है ना अप डाउन वाले को भी खोलेंगे। अब ऑलमोस्ट ये ज़ीरो है, ज़ीरो तो पहले भी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको और जो है ना परफेक्ट किया है। तो अब हम इसका एक ग्रुप लेते हैं 5 पैलेट्स का नए टारगेट पे, देखते हैं कि हमें ये कितना ग्रुप देती है। फर्स्ट एक आल पैरेट जो है ना बदतमीजी कर रहा है। तीन पैरेट फायर कर लिए हमने, चौथा चौथा पैलेट भी बदतमीज हो गया। जी दोस्तों, तो 5 पैलेट हो गए हैं, रिज़ल्ट अच्छा है माशाल्लाह। अभी नई नई पिस्टन सील डाली है, नया स्प्रिंग है, तो तकरीबन कुछ पैलेट्स फायर करने के बाद ही जाके इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो गन ज़ीरो हो गई है, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक दो पैलेट जो है ना फ्लायर हो रहे हैं। तो फ्लायर भी मतलब इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, मैं आपको चल के दिखाता हूँ, बल्कि मैं टारगेट उठा के ले आता हूँ इधर, मैं दिखाता हूँ आपको कि हमें इसने कितना ग्रुप दिया है। तो चलें जी। जी दोस्तों, तो टारगेट शीट हमारे पास आ गई है, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखें आप, इस टारगेट पे हमने इसका ग्रुप लिया है ज़ीरो करने के बाद, ठीक है, ये वाला टारगेट। तो ये देखें, तीन पैलेट जो है ना ये एक नाखून के नीचे, ठीक है, ये तीन पैलेट एक नाखून के नीचे, और ये दो थोड़े से ऊपर लगे हैं। तो अगर मुकम्मल ग्रुप काउंट करें तो 1 इंच का, और अगर सिर्फ इन तीनों को देखें तो पैरेट के 7 पैरेट लगा, इनके पैरेट के ऊपर पैरेट लगा हुआ है, बिल्कुल एक नाखून के नीचे। तो अभी अभी इस गन का स्प्रिंग हमने चेंज किया है, पिस्टन सील चेंज किया है, तो शुरुआत में जो रिज़ल्ट है ना इसका ऐसा ही मिलेगा हमें, थोड़ा सा चलने के बाद इसका रिज़ल्ट इससे भी बेहतर होगा। और स्कोप माशाल्लाह ठीक रिज़ल्ट दे रही है, इसको हमने रिपेयर किया था, ज़ीरो भी हो रही है, ज़ीरो होल्ड भी कर रही है। नए स्प्रिंग और पिस्टन सील के साथ गन की परफॉर्मेंस आपने देख ली, और स्कोप माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गई है। ये स्कोप हमारे पास भेजी है असलम भाई नाम, हाँ असलम भाई नाम है उनका, कराची से हैं, तो उन्होंने भेजी थी रिपेयर होने के लिए। तो माशाल्लाह असलम भाई, आपकी स्कोप बिल्कुल ओके हो गई है, ज़ीरो भी होल्ड कर रही है, ज़ीरो हो भी रही है, ठीक है, रिज़ल्ट भी माशाल्लाह ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये आपको जल्द, जो ही मेरे पास टाइम, मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।